माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू ओम क्लीम कृष्णाय नमः। आज है गणेश चतुर्थी का दिन, महाचमत्कारी दिन है। आज के दिन भगवान श्री गणेश को खुश करके आप कोई भी अपनी विश पूरी करवा सकते हैं। बड़ी से बड़ी, मुश्किल से मुश्किल और इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल विश पूरी हो सकती है। आज के दिन बहुत छोटा सा उपाय है, महाचमत्कारी उपाय है। ये उपाय अगर आपने कर लिया तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी विघ्न हैं, वो तो दूर होंगे ही, उसके साथ साथ आपकी विश भी पूरी होगी, आपकी मनोकामना, आपकी इच्छा पूरी होगी जो बहुत सालों से अटकी हुई थी। आप बहुत ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि मेरी ये विश पूरी हो जाए, लेकिन नहीं हो रही थी। आज इस उपाय को कर लेने से आपकी विश सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। क्या करना है आज आपने, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी का दिन है, तो आज हमने भगवान श्री गणेश का ध्यान करना है, उन्हें प्रसन्न करना है। आपने क्या करना है, एक वाइट कलर का कागज़ लेना है, उस पर अपनी विश लिखनी है 21 बार। वाइट कलर के कागज़ पे 21 बार अपनी विश लिखनी है। सिर्फ एक विश के लिए हम उपाय करेंगे, तो एक ही विश के लिए लिखना है कि मेरी ये विश पूरी हो रही है। जो भी आपकी विश है, आपने प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि मेरी ये विश पूरी हो रही है। ठीक है, सपोज़ आप ये लव मैरिज के लिए कर रहे हैं, तो आपने लिखना है कि मेरी सो एंड सो पर्सन के साथ, अपने पार्टनर का नाम और अपना नाम ज़रूर लिखें कि मेरी सो एंड सो पर्सन के साथ लव मैरिज हो रही है। ठीक है, ये चीज़ आपने ऐसे लिखनी है। 21 बार आपने अपनी विश लिख ली। उसके बाद आपने क्या करना है, उस कागज़ को आपने 3 बार फोल्ड कर देना है। 3 बार फोल्ड कर लेने के बाद उसके ऊपर आपने सिंदूर से छोटा सा टीका लगा देना है कागज़ के ऊपर। 3 बार फोल्ड करने के बाद सिंदूर से टीका लगा देना है। भगवान श्री गणेश को सिंदूर बहुत प्रिय है, इसीलिए उनकी पूजा में सिंदूर का इस्तेमाल करना बहुत शुभ माना जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी विश चिट को लेके, जो आपने विश चिट बनाई है, इसको लेके आपने मंदिर जाना है। और मंदिर में आपने और क्या क्या चीज़ें साथ में लेके जानी है, सिंदूर लेके जाना है, लड्डू या मोदक, क्योंकि भगवान श्री गणेश को बहुत प्रिय है, तो लड्डू या मोदक ज़रूर लेके जाए। कितने भी लेके जा सकते हैं आप, एक भी लेके जा सकते हैं, 2 या जितने भी। उसके साथ साथ आपने दूर्वा घास लेके जानी है। दूर्वा घास भी भगवान श्री गणेश को बहुत प्रिय है, तो दूर्वा घास ज़रूर लेके जाएं। मंदिर के बाहर भी आपको मिल जाएगी इजीली, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं वहाँ बेचने के लिए। आपने क्या करना है, मंदिर जाके भगवान श्री गणेश के चरणों में आपने दूर्वा घास अर्पित करनी है, सिंदूर अर्पित करना है और लड्डू या मोदक का भोग लगाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, विश चिट को, जो आप लेके अपने साथ में गए हो, विश चिट को उनके चरणों में रखना है, जिस पे आपने 21 बार अपनी विश लिखी है, उनके चरणों में रख के वहीं बैठ के आपने इस मंत्र का जाप करना है। ये महाचमत्कारी मंत्र है, जो कि आपकी विश सिर्फ 3 दिन में पूरी करवा देगा। कईयों की इस मंत्र का जाप करने से 24 घंटे के अंदर भी विश पूरी हो जाती है। बहुत ज़्यादा चमत्कारी मंत्र है। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। इस मंत्र का 108 बार वहीं बैठ के आपने जाप करना है और मन ही मन भगवान श्री गणेश से प्रेयर करना है, प्रार्थना करनी है कि मेरी विश जल्दी से पूरी हो जाए। जो भी विश आपने विश चिट में लिखी है, वो विश जल्दी से पूरी हो जाए। इस तरीके से आपने मन ही मन भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करनी है और 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। बहुत ज़्यादा चमत्कारी मंत्र है। जिन्होंने भी इसका जाप किया है, बहुत जल्दी उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और लाइफ में जो भी विघ्न है, जो भी कठिनाइयां हैं, मुश्किलें हैं, वो सब विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश दूर कर देते हैं। तो इस तरीके से आपने उनको, उनके आगे बैठ के, भगवान श्री गणेश के आगे बैठ के 108 बार ओम गंग गणपते नमः मंत्र जाप करना है। उसके बाद आपने घर आ जाना है। ये उपाय आप डेली अगर करेंगे 11 दिनों तक इस उपाय को आपने डेली करना है, बहुत जल्दी आपकी विश पूरी हो जाएगी। 3 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन 11 दिन आपने कंप्लीट करने हैं। 11 दिन तक अपने आपने इस उपाय को करना है, भगवान श्री गणेश को खुश करने के लिए 11 दिन तक आपने इस उपाय को ज़रूर करना है। ठीक है, आप देखोगे बहुत जल्दी विशेष तो पूरी होंगी, उसके साथ साथ डिफ़िकल्टीज़ भी दूर होंगी, प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। अगर आपकी लाइफ में बहुत टाइम से प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, वो भी दूर हो जाएंगी। और अगर आपको, अगर ये उपाय करते हुए आपके पीरियड्स हो जाते हैं, तो आपने ये उपाय बंद कर देना है और 5 डेज़ के बाद दोबारा आप इस उपाय को स्टार्ट करके 11 दिन तक कंप्लीट करेंगे। 11 दिनों तक कंप्लीट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर पीरियड्स में आप इस उस उपाय को बीच में बंद करके और दोबारा से स्टार्ट करके 11 दिनों तक आपने इसको करना है। बहुत ज़्यादा चमत्कारी उपाय है, बिल्कुल ध्यान से विश्वास के साथ करेंगे तो भगवान श्री गणेश बहुत जल्दी खुश होंगे और सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। ये 10 दिनों का जो ये टाइम है, भगवान श्री गणेश
उत्सव का जो टाइम है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चमत्कारी टाइम है। भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे, जल्दी इच्छाएं पूरी करेंगे, जल्दी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।